बाल न बाका कर सके, ना मिटा सके सम्मान, जिसकी रक्षा कर रही हूँ स्वयं पवन पुत्र हनुमान। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हनुमान जी जिन्हें स्वयं माता सीता और भगवान राम ने अमरता का वरदान देते हुए कहा था कि जो भी सच्चे भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ हनुमान जी को पुकारेगा तो स्वयं उसकी सहायता हनुमान जी करेंगे, ये बात आज भी इस कलयुग में पूर्ण रूप से सच होती है कि जो भक्त केवल एक बार सच्चे मन से हनुमान जी का नाम भी ले लेता है तो हनुमान जी उसकी सहायता करने के लिए किसी न किसी रूप में दौड़े चले आते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने वाले पवन ठाकुर जी के साथ। दोस्तों, बात सन 2017 की है, जब पवन ठाकुर हमेशा की तरह मंदिर में पूजा कर रहे थे और पूजा करके जब वापस घर आ रहे थे तभी अचानक से एक बंदर ने उनका रास्ता रोक दिया। पवन की लाख कोशिश के बावजूद भी वो बंदर उन्हें वहां जाने नहीं दे रहा था और आखिर ना जाने क्यों मंदिर से बाहर उन्हें नहीं जाने दिया। दरअसल दोस्तों, ये बात पवन जी के गांव की है जहां मंदिर न होने के कारण उन्हें दूसरे गांव में स्थित बजरंगबली के मंदिर में जाकर पूजा करनी पड़ती थी जो कि करीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर था। भगवान के प्रति आस्था होने की वजह से पवन के लिए मंदिर की दूरी मायने नहीं रखती थी। आज तक मंदिर जाने के लिए पवन को कोई भी परेशानी नहीं हुई। दोस्तों कहते हैं ना, किसी भी कार्य को दिल से पुकारो तो खुद भगवान आकर तुम्हारे रास्ते पर आने वाली हर बाधा को दूर कर देते हैं। और ऐसा ही कुछ उस शाम पवन के साथ भी हुआ। पवन जी बताते हैं कि उस दिन भी मैं रोज की तरह पूजा करके मंदिर से घर की तरफ आ रहा था कि अचानक एक बंदर ने मेरा रास्ता रोक दिया और मुझे बार बार धक्का दे रहा था। मुझे बंदर से डर इसीलिए लग रहा था क्योंकि मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उस दिन मंगलवार भी था। किसी भी कारणवश बंदर मुझ पे हमला नहीं करता। जब बंदर ने मुझे करीबन 1 घंटे तक रोके रखा तो मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने उस बंदर को नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही मैं मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर अपनी चप्पल पहनने गया तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके सामने आंखों के आगे बादल छा गए। दोस्तों मैंने देखा कि एक बड़ा सा सांप जो मंदिर की तरफ आ रहा है वह बंदर के साथ लड़ाई कर रहा है। करीबन 30 मिनट के बाद जब बंदर ने सांप को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया तो उसने बंदर को डस लिया, वह जंगल की तरफ चला गया। जब तक कि मैं कुछ समझ पाता वह बंदर भी वहां से गायब हो गया। मैंने जब ये बात अपने घर में बताई तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत डांटा और बोलने लगे कि बेटा, अगर आज वो बंदर नहीं होता तो पक्का वो सांप तुझे डस देता। वह सांप किसी और को नहीं, तेरी खुशबू सूंघकर तुझे डसने ही मंदिर में आ रहा था। मैं समझ गया था कि वो कोई मामूली बंदर नहीं था जिसने मुझे इतनी देर तक उसी जगह पे खड़ा रखा ताकि वो सांप मुझे न डस पाए। तो वो दोस्तों स्वयं हनुमान जी ही थे जिन्होंने मेरी रक्षा की। दोस्तों मैंने मन ही मन हनुमान जी का बहुत धन्यवाद किया और उनके नाम से मैंने एक बहुत बड़ा मंदिर अपने गांव में भी बनवा दिया ताकि लोगों को मंदिर जाने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसीलिए तो कहते हैं, सब सुख ले ही तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ये बात आज भी सच होती है, जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है उसे दुनिया का कोई भी इंसान भयभीत नहीं कर सकता। दोस्तों आपको क्या लगता है कि बंदर के रूप में वो स्वयं हनुमान जी थे या फिर कोई और? कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस बारे में विस्तारपूर्वक बताइए।